अभी आज TV1 इंडिया जो चैनल आपका है उसको पहले मेरे ओर से शुभकामनाएं। आज़ादी को 75 साल हो रहे हैं और इस 15 अगस्त के दिन जिन लोगों ने यानी क्रांतिकारक लोगों ने, देशभक्तों ने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनका याद करने का दिन है। जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की उन्होंने यही मन में सोचा था कि वे आगे आने वाले जो भी कोई राज्य करता हो, कौन से पार्टी से भी हो, वो आज़ादी के लिए जिन्होंने जंग लड़ी उनके त्याग को ध्यान में रखते हुए आगे चल के राज्य कारबार चलाएंगे। दुर्भाग्यवश कई जगह पे वो कई लोगों को उसकी याद नहीं रही, इस बात का खेद हो रहा है। फिर भी अपन तो उम्मीद भरे हैं, आशावादी है, आगे चल के इन जिन्होंने कुर्बानी करके देश स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा परिवार भी बिखरा दिया, उनको, उनके आत्मा को शांति लगने के लिए अपन सब लोग फिर से एक बार इरादा करेंगे कि भाई उनके जो सपने हैं उस सपनों को पूरा करके आज़ादी का सही जो उद्देश्य था उसको पूरा करने में अपन कामयाब हो जाएंगे। नहीं देखिए, बातें इसलिए स्वतंत्र की कड़ी में जो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, जैसे स्वतंत्र का जो इतिहास है, जो उसका लड़ाई की एक दिन में कुछ जीती गई नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोगों के परिवार उद्ध्वस्त हो गए, कई लोगों की जान चली गई। और ये यादें उनको बताने के लिए, ये इतिहास उनके सामने लाने की ज़रूरत है। तभी युवा लोगों को पता चलेगा कि भाई ये आज़ादी ऐसी फुकट में नहीं मिली, उसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उनकी याद करने के लिए फिर से उनको स्वतंत्र लड़ा की जो एग्जाम्पल उनको देना पड़ेगा। कोई चित्रपट के माध्यम से भी हो रहा है, कई कथाओं के माध्यम से, स्मारक के माध्यम से हो रहा है। अपन आशावादी है, उसमें से जो सही मकसद है वो मकसद की ओर अपन पहुँचेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।